द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इसराइल लगातार गाजा पट्टी पर आम लोगों को निशाना बना रहा है, आम लोगों पर मिसाइलें दाग रहा है, शहर को तबाह करने पर तुला है। वहीं दूसरी तरफ हमास भी इसराइल के इन मिसाइलों का, इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमास ने यरूशलम और तेल अवीव में रॉकेट दागे, जिसके बाद इसराइली सांसद जो है वो डर से इधर उधर भागने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री भी हमास के हमलों से बाल बाल बच गए। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकिन इसराइल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे, उसी बीच सायरन बजता है और अमेरिका के विदेश मंत्री को बंकर में जाकर छिपना पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर नाउ फॉर यूएसए का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया है कि तेल अवीव में सायरन बजता है और अमेरिकी विदेश मंत्री वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान एक आश्रय स्थल की ओर भागते हैं, यानी कि बंकर में जो है वो जाकर के छिप जाते हैं। इसी बीच संसद में जो सांसद होते हैं वो भी जो है अपनी जान बचा करके तकरीबन 40 मिनट के लिए बंकर के अंदर जो है वे छिपे रहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका खुलकर जो है वो इसराइल का समर्थन कर रहा है। हालांकि अमेरिका यहाँ पर इसराइल को ये भी चेतावनी दे रहा है कि अगर गाजा पट्टी पर उसने कब्जा किया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन इसी बीच जिस तरह से अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के तमाम मंत्री एक एक करके इसराइल का दौरा कर रहे हैं और अब खबर आ रही है कि इसराइल का दौरा जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका जो है वो बढ़ चढ़ करके जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री किस तरह से सायरन बजने पर बंकर में छुप गए, तमाम जानकारी दी गई है। यहाँ लिखा है कि तेल अवीव में सायरन बजने पर नेतन्याहू और ब्लिंकिन को बंकर में छिपना पड़ा, अमेरिका ने कही ये बात। अमेरिका ने क्या कहा है वो आगे आपको बताएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकिन जो हैं वो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो है वो सायरन बज जाता है, जिसके बाद दोनों को जो है बंकर में जाकर छिपना पड़ता है। आगे लिखा है इसराइल हमास के बीच युद्ध जारी है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा पट्टी में बमबारी कर रही है, वहीं हमास की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस बीच तेल अवीव में रॉकेट हमले की आशंका के बीच सायरन बजने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन को कुछ समय के लिए एक बंकर में छिपना पड़ा। इस घटना में शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के सामने जोखिमों को रेखांकित किया गया। ब्लिंकिन इस समय संघर्ष को रोकने के लिए मध्य पूर्व के दौरे पर है। यहां पर कहा जा रहा है कि ब्लिंकिन जो है वो मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उसमें जो संघर्ष हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, जो विवाद है, उसे रोकने के लिए दौरे पर है। लेकिन यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो खुलकर इसराइल का समर्थन कर रहा है। आगे लिखा है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि इसराइल की यात्रा पर पहुंचे ब्लिंकन और नेतन्याहू की रक्षा मंत्रालय के कमांड सेंटर में बैठक चल रही थी, तभी हवाई हमले का सायरन बजा, जिस कारण उन्हें 5 मिनट के लिए बंकर में जाना पड़ा। तो यहां पर विदेश मंत्री जो है अमेरिका के वो बैठक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और उसी दौरान जो है वो सायरन बजता है हवाई हमलों का और उनको जाकर जो है वो बंकर में छिपना पड़ता है। तकरीबन 5 मिनट के लिए उनको जो है बंकर में जाना पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकिन और नेतन्याहू तेल अवीव में इसराइल के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के पास सायरन बजने लगे, जो रॉकेट खतरे का संकेत दे रहा था। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ आए अधिकारियों और पत्रकारों को भी एक सुरक्षित भूमिगत स्थान पर जाने का निर्देश दिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। सऊदी अरब भी वो इससे पहले गए थे और अब इसराइल में वो प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इजराइल हमास के बीच जो कुछ हो रहा है, उसे सुलझाने के लिए, उस संघर्ष को खत्म करने के लिए दौरा कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है अमेरिका इजराइल की ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यही आगे लिखा है रविवार को एक बार फिर इजरायली शहरों पर रॉकेट हमले के कारण अमेरिकी सीनेटरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के तेल अवीव, हॉलैंड समेत
गन रिशोन लेजियन और बीट डेगन शहरों में रविवार देर शाम जो है वो सायरन की आवाज सुनाई देती है। इसी वजह से शाम 7 बजे निर्धारित अमेरिकी सीनेटरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो गई। इसराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा के अनुसार रॉकेट हमले में अब तक कितनी जनहानि या संपत्ति हानि हुई है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जल्द जो है वो इसराइल का दौरा कर सकते हैं। लगातार खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इसराइल का दौरा करेंगे। अब वो इसराइल का दौरा करेंगे, क्या बातचीत होगी, किस तरह से जो है कहा तो ये जा रहा है कि संघर्ष रोकने के लिए दौरा कर रहे हैं, संघर्ष खत्म करने के लिए दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके दौरे के बाद क्या चीजें सामने आएंगी, इसराइल किस तरह से हरकत में सामने आएगा, ये देखना होगा। यहाँ लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इसराइल का दौरा कर सकते हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें इन्वाइट किया है, निमंत्रित किया है। इसकी जानकारी देते हुए इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रवक्ता टाल हेनरिक ने जल्द ही राष्ट्रपति बाइडेन की मेजबानी करने की उम्मीद जताई है। हालांकि इसराइल अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा की संभावित तिथि यानी संभावित जो डेट है वो उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। गौरतलब है कि हमास के हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल की यात्रा कर चुके हैं, और इससे पहले एंटनी ब्लिंकन जो है वो सऊदी अरब भी गए थे। कहा जा रहा था कि सऊदी अरब में उन्हें काफी अपमान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार इसराइल का साथ दे रहे हैं और लगातार जो है इसराइल को लेकर बातें कर रहे हैं, वहां पर उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। कहा जा रहा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो सऊदी के प्रिंस से मिलने का खूब इंतजार करते हैं, लेकिन वो व्यस्त रहते हैं, उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं, उसके बाद वो फिर से वापस आते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अगले दिन की सुबह तक इंतजार जो है उनसे मिलने के लिए, सऊदी के प्रिंस से मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो कई सोशल मीडिया पर ये बातें भी हो रही थी कि अमेरिका जिस तरह से इसराइल के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, रुचि दिखा रहा है इस युद्ध में, कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है उन्हें आईना दिखाना चाहता है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अमेरिका जो है वो मिडल ईस्ट के देशों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। चाहे आप कतर ले लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब ले लीजिए और चाहे आप मिस्र ले लीजिए, तो यहाँ पर अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो जाकर मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल जो है वो नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमास इसराइल में कई जगह रॉकेट से हमला कर रहा है, क्योंकि लगातार इसराइल भी गाजा पट्टी पर आम लोगों को निशाना बना रहा है और कॉलोनीज शहर जो है वो तबाह कर रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से हमास और इसराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है, इसराइल लगातार गाजा पट्टी में लोगों को निशाना बना रहा है और उसके जवाब में अब हमास भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, से लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।